तो SSC GD की जो है वो फॉर्म आ चुकी है, और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC NCL कैटेगरी से, तो आपके पास एक वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आप रिजर्वेशन को क्लेम कर सको। और ये जो देखो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग 14 अक्टूबर से पहले का आपका फॉर्म सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप जो है वो माइग्रेट किया है आपने, मीन्स अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए हो, तो उसके रिगार्डिंग अलग क्राइटेरिया है, तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बात करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो देखो, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो, और जनरल करने का मतलब कि अगर आपने जो है वो एक जगह ही पढ़ाई की है, अपने एक जगह ही जन्म लिए हो और बचपन से वहीं पर रह रहे हो, तो आपके पास सिंपल जो है वो क्या होना चाहिए, OBC NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये दोनों जो है वो सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगी। अगर आप लेट सपोज़ कि आप जो है वो मीन्स आप नागपुर से बिलोंग करते हो, तो महाराष्ट्र का, ओके, महाराष्ट्र का आपके पास दोनों सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC NCL सर्टिफिकेट भी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी। सेम अप्लाइज़ टू ऑल स्टेट, मीन्स अगर आपने कभी माइग्रेट नहीं किया है, तो आपको दोनों सर्टिफिकेट एक ही जगह से होना चाहिए, एक ही एड्रेस पे बना हुआ होना चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद बना होना चाहिए और 14 अक्टूबर 2024 से पहले बना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, आपका सर्टिफिकेट 1/4/2024 के बाद बना होना चाहिए और 14/10/2024 से पहले बना होना चाहिए। इसको मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो मस्ट बी इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2024 और बिफोर 14th of 10 अक्टूबर 2024। और अगर आपका ओल्ड सर्टिफिकेट है, तो आपको सोच रहे होगे कि मेरा पुराना सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, देखो पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको नया सर्टिफिकेट ही बनवाना पड़ेगा, इसका अदर कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ओके। सो इस बात का ध्यान रखना। अब साथ ही जो है वो एक बात मैं और बता दूँ कि देखो इसमें जो है वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये सभी कैसा रहता है, तो एक पेज का फॉर्मेट रहता है और उस फॉर्मेट पे ही आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ये जो और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप जो है वो आचार प्रसाद की वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और अगर आप उसको सटीक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप इनके वीडियोज़ देख के आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। आप इनके ऐप पर भी जा सकते हो, आचार प्रसाद ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इनके चैनल पर आप देखोगे तो लगभग जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं, और इनकी जो वीडियोज़ होती है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है, जो कि काफी जो है वो आपको इंसाइटफुल एजुकेशन यहां पे मिलता है। तो आप जो है वो इनकी वीडियोस और ऐप को एक बार जरूर देखना, नाम याद जरूर कर लो, आचार्य प्रशांत। फॉर्मेट है, ऐसा ही कुछ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है, तो आपको इसी फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और ये जो है वो आप कैसे बनवाओगे, अगर आपको नहीं पता है कि सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनता है या ऑफलाइन बनता है, या फिर आप जो है वो कहाँ अप्लाई करोगे, किससे साइन होगा, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया है। आप उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे जो है वो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना। तो आपकी जो है वो OBC NCL सर्टिफिकेट कैसे बनती है, उसकी सारी जो डाउट्स होगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो वो सभी इस वीडियो में मैं बात नहीं कर रहा, मेनली मैं डेट्स की और सर्टिफिकेट इन सभी की फॉर्मेट की और डोमिसाइल कहाँ पर है आपको उसकी बात कर रहा हूँ, ओके। सो ये जो है वो यहाँ तक अभी तक बात समझ में आई होगी। और एक चीज़ और कि आप जो है वो NCL कैटेगरी में लाई करने चाहिए। NCL कैटेगरी होती है कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम से कम होगी, तभी आप जो है वो NCL कैटेगरी में बिलोंग करते हो। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख सालाना से ज़्यादा जाती है, तो फिर आप क्रीमी लेयर में आते हो, उस केस में आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओके। अब देखो, जो कैंडिडेट्स जो है वो अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर कभी उन्होंने माइग्रेट किया है, मतलब कि अगर लेट सपोज़ कि कोई स्टूडेंट है वो यूपी में पहले उसने जन्म लिया, ओके, उसका ओरिजिन यूपी में है, और अगर वो यूपी से लेट सपोज़ कि एमपी में गया, ओके, तो यहाँ पे उसने माइग्रेट किया, तो उसके पास जो है वो यूपी का OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC NCL सर्टिफिकेट, और MP का उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस दोनों बातों को ध्यान रखना कि आप जिस भी स्टेट से जा रहे हो, मीन्स आपका जहाँ पे ओरिजिन हुआ है, तो उस स्टेट का आपके पास OBC NCL सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, और जिस स्टेट में आप गए हो यानी कि माइग्रेटेड स्टेट, उस स्टेट का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सबके लिए वैलिड नहीं है, जिन्होंने माइग्रेट किया है या फिर जिन्होंने जिनका जन्म कहीं और हुआ है और पढ़ाई उन्होंने कहीं और की है, तो उस केस में ये लागू होता है, ओके। सो आई होप कि आपको जो ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करना।
आपने अगर SSC GD की फॉर्म फिलअप की है या फिर करने की सोच रहे हो, तो आपके लिए जो है वो बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप जो है वो टेस्ट बुक ऐप से अपनी जो है वो तैयारी कर सकते हो। टेस्ट बुक ऐप है, ऐप भी है, और इसे जो है वो आप वेबसाइट पे भी चला सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप जो है वो ऐप में गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेना, और या फिर आप जो है वो अगर आपके पास लैपटॉप है तो इसमें लैपटॉप से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल जो है वो अराउंड 901 टोटल टेस्ट हैं और 26 टेस्ट फ्री हैं। तो अगर अभी आपने इसका टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप फ्री में जो है टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पे लगभग 3 लाख स्टूडेंट जो है जो अभी करेंटली एक्टिव हैं। और यहाँ पे आप जो है वो देखोगे कि 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो है वो आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे PYQ आपको मिलेगा, और साथ में मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो और सेक्शनल टेस्ट भी हैं। तो अगर मैं PYQ की बात करूँ तो PYQ जो है वो आप देखोगे कि टोटल जो है वो 2000 कितने साल का है आपके पास, 19, 21 और 22, 23 और 24। ओके, तो 3 से 4 साल का आपके पास बहुत ही अच्छा जो है वो एनालिसिस आपको मिल जाएगी। और ये जो 2024 में फरवरी में हुई है उसकी भी आप पे आपको पेपर मिल रही है। तो आप जो है वो इन सभी को अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट बुक ऐप से। और साथ ही जो है वो टेस्ट बुक का, लेकिन आपको जो है वो एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है अगर आप जो है वो फुल फ्लेज्ड इसकी तैयारी करना चाहते हो। तो उसके लिए जो है वो टेस्ट बुक पास प्रो आपको परचेस करना पड़ता है। तो इसकी जो है वो प्राइसिंग डिटेल्स मैं आपको बता दूं, तो देखो इसका जो है वो लाइफ टाइम यानी कि ऑफर जो है वो चलते रहता है। ये जो है वो 3 साल के लिए है और ये 1 ईयर वाला है। तो 1 ईयर वाला आप मत लेना, क्योंकि इसमें आपको जो है वो कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम डिले हो गई या एक्सटेंड हो गई तो आप जो है वो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इसलिए 3 साल वाला लेना आपके लिए रिकमेंडेड रहता है। और एक बेनिफिट और रहती है कि आप जो है वो अदर एग्जामिनेशंस की भी इस ऐप से प्रिपरेशन कर सकते हो। एक बार अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और इसका अगर आप जो है वो ये वाला कूपन कोड अप्लाई कर दोगे JBYY16, तो आपको जो है वो 10-20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जो है वो ये कूपन कोड भी अप्लाई करके देख सकते हो, आप जो है वो आपको डिस्काउंट मिलेगी। तो पास प्रो ले लेना, ओके, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो। और अगर आप जो है वो इसकी सुपर कोचिंग लेना चाहते हो तो वो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। लेकिन पास प्रो तो टेस्ट सीरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और देखो यहाँ पे आप SSC की जितनी एग्जामिनेशन है वो सब भी कर सकते हो, और साथ ही जो है वो अगर आप डिफेंस से रिलेटेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इन सभी एग्जामिनेशन की भी आप जो है वो टेस्ट सीरीज देख सकते हो। सो बहुत ही अच्छा रहता है अगर आप जो है वो प्रिपरेशन फेज़ में हो और टेस्ट सीरीज का एक सेट चाहिए। तो आप जो है वो 3 ईयर्स का एक बार पास परचेज करके और जितने एग्जामिनेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी एग्जामिनेशंस की आप जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।